कल्याण से सटे कांबा ग्राम पंचायत की हद में 32 गुंटा जमीन घोटाले का मामला सामने आया है। तथाकथित भूमाफिया और व्यापारी द्वारा जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन पर गालों का निर्माण कर सरकार के साथ धोखाधड़ी का मामला उजागर हुआ है। इस संदर्भ में टिटवाला ग्रामीण पुलिस ने आरोपी भगवान रजाई के खिलाफ MRTP के तहत मामला दर्ज किया है। बता दें कि मुरबाड़ हाईवे से लगकर कांबा ग्राम पंचायत की हद में भगवान रजाई और शोभा हिंदुजा ने कल्याण द्वियम निबंधक 2 में खरीदी खत तैयार किए जो गैरकानूनी है। इस विषय में ठाणे जिला परिषद, कल्याण पंचायत समिति और कांबा ग्राम पंचायत में सबूतों के साथ शिकायत भी की गई थी। 2 करोड़ की ग्रामीण जमीन घोटाले की खबर अखबार में छपने के बाद साल 2011 में महाराष्ट्र विधानसभा में उक्त घोटाले पर तारांकित प्रश्न पूछा गया था, जिसके बाद ग्राम विकास मंत्रालय ने ठाणे जिला परिषद को कार्रवाई के आदेश दिए थे। लेकिन कल्याण पंचायत समिति और कांबा ग्राम पंचायत अधिकारियों के ढीले रवैये के चलते अभी तक इस भूखंड पर कुछ रुबाबदार लोगों का कब्जा है। आखिर ठाणे जिला परिषद के आदेशों पर कांबा ग्राम पंचायत ने 32 गुंटा जमीन को ताबे में लिया था। इसी दौरान ग्राम पंचायत सदस्य पद्माकर रमेश शिरोसे भगवान रजाई और शोभा हिंदुजा ने अवैध रूप से जमीन पर व्यवसायिक गाले और गोडाउन का निर्माण कर लाखों की कमाई की। इस पूरे मामले में भगवान रजाई के खिलाफ टिटवाला ग्रामीण पुलिस ने MRTP के तहत मामला दर्ज किया है। जमीन घोटाला मामले में MRTP के तहत मामला तो दर्ज हो गया है, लेकिन जमीन पर किए गए बांधकाम पर जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी हरिलाल सोनाने क्या निर्णय लेंगे, ये प्रश्न निर्माण हो गया है। रोशन उबाले, जी वार्ता न्यूज़।